मैं चार ऊंटों का मालिक बन गया, इन चार ऊंटों का। नहीं जमाल, भूत और कमीने पन को किस्मत नहीं कहते, तूने किस्मत को धोखा दिया है। याद रख जमाल, किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद मेरे मुल्क की सरहद आ जाए और मैं तुझे छोड़कर अपने मुल्क में चला जाऊं। मेरे वतन की सरहद आने से पहले तू मुझे ऐ जालिम बेईमान, खुदा से डर, तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया है और मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीन। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं। आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर रखता है? उस छोटी सी परिश आखिर तू क्या बातें करते रहता है? पता है मेरे कमीन साथी, मेरे सराय दरवेश, पता मुझे? नहीं नहीं जमाल, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा जमाल। कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो तू खुद बखुद ही मुझे सब कुछ बताएगा, सब कुछ। मेरी चालाकी, मेरी धोखेबाजी, मेरी बेईमानी, मेरे कमीनेपन की तो दाद शैतान भी देता है, शैतान। और वो मुझे अपना उस्ताद मानता है। अब तो सिर्फ दो दिन और दो रातों का समय बाकी, बस सिर्फ दो रात और दो दिन। वो सफर पूरा होने के पहले तू मुझे वो डिबिया जरूर दे, जरूर दे। सफर पे आगे चलो। सुलेमानी शैतानी बाप, चाय दिन फरजने फरमा बरदार, मुखबिर दिन क्या खबर लाए हो? खबर बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक ऐसी खुशखबरी जो आंखों देखी कानों सुनी खबर है, जिसका चश्मदीद दवा मैं खुद हूँ। चश्मदीद दवा? क्या देखा तुम्हारी आंखों ने पटन? खजानाए सुलेमानी, खजानाए सुलेमानी, खजानाए सुलेमानी, खजानाए सुलेमानी। ऐ शैतानी बाप, हमारा शैतानी खानदान सदियों से जिस सुलेमानी खजाने की बातें सुन सुन कर दबता रहता है, ये वही खजाना है सुलेमानी है। इसी खजाना है सुलेमानी की बातें तो 1000 साल से मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी तो उम्र अभी 500 साल है, मेरे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से और उनके बुजुर्गों ने अपने बाप दादाओं के बुजुर्गों से जो खजानाए सुलेमानी के बारे में सुना है कि खजानाए सुलेमानी जमीन और आसमान के बीच में एक तिलिस्मी महल है जिसमें वो खजाना है। लेकिन आज तक हम में से किसी शैतानी जिन ने खजानाए सुलेमानी के दीदार नहीं किए हैं। मेरे 3000 बेटे बेटियां और बीवियां उसी खजाने सुलेमानी के दीदार के लिए तरस रहे हैं। जल्दी बता कहाँ है वो खजानाए सुलेमानी? वो खजाना 4 ऊंटों पर 2 आदमियों के साथ हमारे मुल्क से गुजरते हुए मुल्क के रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। वो 2 आदमी जवान है या बूढ़े? तो एक बूढ़ा है और एक जवान। तो उस जवान की शादी मैं अपनी कुंवारी बेटी अपने हुजूर के साथ करूंगा, जिसकी उम्र सिर्फ 150 साल है। जो बेटी तबले बुलबुला। मेरे बड़े भाई मुखबिर जिन,
उस आदमदार को जल्दी पकड़ कर लिया। सब्र कर, जल्दी मत कर तबले गुलगुला। जब खजाना सुलेमानी आएगा तो वो जवान भी साथ में आएगा। हो फरजंद, जाओ उन्हें वहां से गायब करके यहां उठा के ले आओ। जो हुक्म बादशाह जन, जो हुक्म शैतानी बाप बादशाह जन। चालाक दरवेश, अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। ला ये तिलिस्मी डिबिया मुझे दे दे। नहीं दूंगा। नहीं देगा तो मैं तुझसे छीन लूंगा। अरे मेरा सब कुछ तो तूने छीन लिया है जालिम लुटेरे। मेरी जिंदगी भर के वजीर की कमाई, खजाना सुलेमानी से भरे ये चारों ऊंट, ये दौलत जो मेरे वतन के रेगिस्तान के पानी की अमानत थी, मजबूर होकर मैंने तुझे दे दी है। अब ज्यादा लालच ना कर लालची नमक हराम भेड़िए। अब क्या तू मेरी जान लेगा? तेरी जान तो ये रास्ते ले लेंगे, ये पहाड़ ये सहरा ले लेंगे। ऐ सहराए दरवेश, अब जिन रास्तों पर मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूं, उन रास्तों से तू भटक भटक कर, भूख प्यास से तड़प तड़प कर खुद बखुद ही अपनी जान दे लेगा और अपने रेगिस्तान के वतन को नहीं पहुंच पाएगा। तू तो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए वो अजीबो गरीब तिलिस्मी डिबिया जो तूने इसमें छुपा रखी है, ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। नहीं दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये तिलिस्मी डिबिया नहीं दूंगा जमाल। ओ तो ये तिलिस्मी डिबिया तेरे जान से भी ज्यादा बेशकीमती है, इसलिए तू मुझे नहीं देगा। अब तो मैं डिबिया जरूर जमाल ला निकाल। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दे वरना मैं अभी तुझे मार डालूंगा। मैं नहीं दूंगा जमाल। मैं कहता हूँ दे दे डिबिया। मैं नहीं दूंगा जमाल। मैं कहता हूँ सराय दरवाज़ दे दे डिबिया। नहीं दूंगा जमाल। दे नहीं दूंगा। मैं मुझे दे नहीं दूंगा जमाल। शादी करूंगी। शादी? हम नेकी और अच्छाई की जिन नहीं, हम बुराई और शैतानों के जिन हैं। मैं शैतानी जिन की बेटी और तू आदमजात। हम दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे वो जानवरों से भी ज्यादा जानवर, शैतानों से भी ज्यादा शैतान, कमीने, बदमाश, जलील, खूनी बच्चे होंगे जो इस दुनिया को बर्बाद करने में हम शैतानों की मदद करेंगे। वैसे भी है आदमजात जमाल, तूने बहुत जुल्म किए हैं। तुझे मेरा नाम भी मालूम है? तूने दुनिया में जो जुल्म, गुनाह, ऐश, आवारगी और बेशर्मी के काम किए हैं वो कहानियां हम शैतानों के दरबार में पहुंचती रही हैं।
और हमने तुझे अपनी बिरादरी में शामिल किया था क्योंकि तुझ में वो सब खूबियां हैं जो एक शैतान में होती हैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप को रुलाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं और उनके बुढ़ापे को जलीलो ख्वार करते हैं, वो शैतान ही तो होते हैं। बस मैंने फैसला किया है कि तुझसे अच्छे शैतानी दामाद हमें मिल ही नहीं सकता। और मुझ जैसी शैतानी बेटी, खूबसूरत बीवी तुझे नहीं मिलेगी। अगर मैं तुझसे शादी ना करूँ तो? हा? कोई बात नहीं, हम शैतानी लोग बिना शादी के भी मियाँ बीवी बन के रह सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं तेरे साथ बिल्कुल ही ना रहूँ तो? वो भी हो सकता है। हा? तू न रह, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तेरे जिस्म में बदरू बन के घुस जाऊंगी, फिर तो जमीन में, आसमान में, पत्थरों पर चिल्लाता फिरता रहेगा। तेरी उम्र क्या है? अभी तो मेरी उम्र 30 साल की है। अब तो तू पैदा भी नहीं हुआ है। मेरी उम्र तो 150 साल की है। 150 साल की? अब जाओ और बेकार वक्त खराब ना करो, ले जाओ इसे और दूल्हा बनाकर ले आओ। जाओ, चल मेरे शहर आदम जान। मेरे सराय दरवेश, इस 150 साल की मेरी होने वाली बीवी से मुझे बचा ले, बचा ले सराय दरवेश, बचा ले मुझे। खुल जाए चश्मे दफीना, खुल जा। क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताए मासूम परी, अब मेरे खजानाए सुलेमानी के उन 4 ऊंटों का क्या होगा? जब से मैं खजानाए सुलेमानी लेकर चला हूँ, हालात से परेशान और अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूँ। मुझे अगर अपने वतन रेगिस्तान में पानी लाने की नेक नियति नहीं होती तो मैं सब दौलत छोड़कर अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार देता। अल्लाह के बंदों की खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत के बराबर है। नेक नियत सहराई दरवेश, तेरे 21 साल के वजीफे के बाद तुझे मददगार जिन ने कहा था कि बेशुमार दौलत बेहिसाब मुसीबतें लेकर आएगी, मगर तूने मददगार जिन की बात नहीं मानी। तू अपने फैसले पर अटल रहा क्योंकि तेरा मकसद नेक था और एक ही मकसद था कि किसी तरह खुदा की मखलूक को, इंसानों, हैवानों और परिंदों को पानी मिले। सदियों से बांझ पड़ी जमीन पेड़ पौधे उगाकर अपने कोख को हरी बनाए, इतने असीम मकसद के ऐ असीम इंसान ना घबरा। तेरी नेक नियत कामयाबी के लिए तो फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तू मुसीबत और सब्र के हर इम्तिहान में कामयाब हुआ है। अब अगर तूने हिम्मत हार दी तो नाकाम हो जाएगा, कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होगा? हाँ मेरे आका, बस देख पर्दे गैब से क्या जाहिर होता है। हिम्मत रख, अल्लाह को पुकार। तेरा शुक्रिया है मेरी नन्ही मुन्नी मासूम परी, अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एहसान है कि तूने मुझे सब्र और हिम्मत अता की है। अब मंजिल थोड़ी दूर है, मुझे और सब्र की ताकत अता कर, इन नासाजगार हालात को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता कर। मेरे अल्लाह, मेरा वो खजाना सुलेमानी मुझे वापस मिल जाए। इस शादी से खुश होना मेरे आदमजाद दामाद। मैं तेरी बेटी से शादी करके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे बाप बादशाह, ये सारा खजाना तो तेरा ही है, ये सब तेरा है, मगर तेरा ये दामाद चाहता है
ये शादी की खुशी में मैं अपने हाथों से तुम सबको एक बेहतरीन तोहफा पेश करूं। पेश करो ऐ फर्जंदे वफादार, पेश करो। अभी लाया, अभी लाया। दरवेश ने कहा था कि अगर तिलिस्मी नकाब को कोई भी नापाक पहन लेगा तो वो बुत बन जाएगा। इन शैतानों से बचने के लिए वही नकाब मुझे इनके चेहरे पर। लो, ये सब तुम लोग अपने अपने चेहरों पर पहन लो। हाँ, तुम भी लो। ये लो मेरी खूबसूरत बीवी और मेरे खूबसूरत बाप, ये तुम लो। अरे तुम लोग भी लो। लो सब अपने अपने चेहरों पर लगा लो। ये सब सोने के बने हुए हैं। हाँ, सब सोने के बने हुए हैं। इसे पहनकर तुम लोग खूबसूरत से और खूबसूरत बन जाओगे। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पहन लो, पहन लो, अपने चेहरे पर पहन लो। आए थे जमाल को अपना दामाद बनाने के लिए, इस जमाल को। आ जाओ मेरे ऊँटों। तेरा शुक्र है मेरे रब कि तूने खजाना सुलेमानी को वापस यहां तक भेज दिया है। तू क्या समझता है कि तेरी दुआओं की वजह से खजाना सुलेमानी वापस मिला है? नहीं, ये तेरी दुआओं की वजह से नहीं, मेरी चालाकी और होशियारी की वजह से वापस आए हैं ये खजाना सुलेमानी को। समझे तुम? अबला वो डिबिया, वो तिलिस्मी डिबिया मुझे दे दे। नहीं जमाल, वो तो इसमें डिबिया तुम मुझसे मत मांग, मुझे नुकसान पहुंचेगा। क्यों? अरे नुकसान पहुंचेगा तो मुझे पहुंचेगा, तुम्हें तो नहीं। ला मुझे दे दे। नहीं जमाल, वो डिबिया मैं तुझे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तू नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुझसे वो डिबिया कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। शाबाश मेरे बेटे जमाल, मैं बहुत खुश हूं कि तूने आज पहली बार मेरा कहना माना। आओ जमाल, सफर पर चले आओ। खुल जा।
खुल जा डिबिया, खुल जा, खुल, खुल डिबिया, डिबिया, खुल जा, खुल जा डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल, मेरी, मेरी तिलस्मी डिबिया, मेरी तिलस्मी